आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, और भिंडी गोश्त हम बना के तैयार करेंगे ड्राई, ग्रेवी वाला हम नहीं बनाएंगे। और बहुत सारे घरों में ये होता है ना मेरी बहनों के साथ कि जब वो भिंडी गोश्त बनाती हैं या नॉर्मली भी भिंडी बनाती हैं तो वो लेस वाली हो जाती है, तो इसकी टिप मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने भिंडी ली है और इसको मैंने धो के इसको इस तरीके से कट कर लिया था। जो बड़ी भिंडियाँ थी उनको मैंने दो पीसेस में कट कर लिया था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाला है अपने पैन में, तकरीबन हमने 2 कप इसमें ऑयल डालना है। और उसके बाद जो हमने भिंडियाँ रखी थी इसको धो के अच्छी तरीके से खुश्क करके हमने गरम तेल में डालनी है और इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पे भिंडियों को फ्राई होने में 2 से 4 मिनट लगेंगे, और जैसे ही भिंडियाँ हमारी फ्राई होना शुरू हो जाएंगी तो ये देखिए इसे हमने थोड़ा क्रिस्पी करना है ना, जब इसका मीन्स के अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये 2 मिनट बाद ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी और इसका लेस भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भिंडियाँ मेरी फ्राई हो रही थी, बस मैंने क्या किया है इसे एक दफ़ा चलाया है ताकि ये अच्छे तरीके से पूरी फ्राई हो जाए। अब जब तक हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं तो चलते हैं इसके मसालों की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है नमक, और एक ही चम्मच मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्चें पिसी हुई। और उसके बाद खड़े मसालों में यहाँ देखिए 2 बड़ी इलायची हैं और जायफल जावित्री थी, 4 से 5 मेरे पास लौंग थी, और ये जो दालचीनी होती ये थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरी जो भिंडियाँ थी वो फ्राई हो गई थी। अब मैंने क्या किया है, किसी भी टिशू, कोई भी आप टिशू ले लें, कोई कपड़ा ले लें, और उसमें हमने भिंडियों को निकालना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा टिशू पे निकल जाएगा। तो देखिए भिंडियों को इस तरीके से हमने फैला देना है और टिश्यू पे, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा भिंडियाँ मेरी क्रिस्पी हो गई थी, अच्छी सी फ्राई हो गई थी ये ना, तो बस मैं इसे निकाल के छोड़ दूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भिंडी गोश्त जब बनाते हैं घर में तो आप लोग ड्राई बनाते हैं या आप लोग शोरवे वाला बनाते हैं। तो मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो फ्राई जिस ऑयल में फ्राई की थी भिंडियाँ वही ऑयल लिया है, उसको कम कर लिया था, उसमें मैंने अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 अदद प्याज थी, मैंने इन्हें मीडियम चॉप कर लिया था, और बस हमने प्याज को फ्राई करना है अच्छी तरीके से। अच्छा, प्याज को हमने बिल्कुल थिन स्लाइसिस में काटना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्याज फ्राई होना शुरू हो गई थी, अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें अजवाइन मैंने डाली है, और उसके बाद हमने क्या करना है, बस इसको मिक्स करना है। अच्छा, खड़े मसालों का ना, ये खड़े मसाले आप इसमें लाजमी डालिएगा, इसका हमारे सालन में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो मैं बात कर रही थी कि मेरी वो बहनें जिनके घर में जो भिंडी बनाती हैं और वो बहुत लेसदार हो जाती है या भिंडियाँ टूट जाती हैं, तो मैं अब आपको ट्रिक बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी भिंडी ख़राब हो जाए या वो बहुत लेसदार हो जाए या वो सही बन के तैयार ना हो। तो ये देखिए प्याज जो है वो फ्राई हो रही थी, और अब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड किया है, और इसके बाद बस हम अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, देखिए अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया था 2 मिनट बाद, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे, इनको देखिए मैंने रफली चॉप कर लिए, बड़े बड़े स्लाइसेस में मैंने कट किया है, और बस इसको मैं डालने के बाद थोड़ा सा भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसे ढक दूंगी ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए बस मैंने इसको चलाया है, और अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी इस टाइम पीरियड पर, 1 चम्मच नमक है ये, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। हल्दी मैंने इसमें ऐड की है 1/2 चम्मच, और अब मैं इसमें धनिया पाउडर, जो मैंने धनिया को कूटा था ना, मोटा मोटा पाउडर नहीं बनाना, वो ऐड किया है 1 चम्मच, और यहाँ पे 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है गरम मसाला। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। अच्छा, अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ठीक है, मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे रख दूँगी, टमाटरों के अपने ही पानी में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए थे 5 मिनट बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया था।
तो ये देखिए ये बिल्कुल कितना मज़ेदार सा मसाला लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करनी है चिकन। अच्छा यहाँ पे जो मैंने चिकन ली है ना, ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है। आप ये रेसिपी बीफ में या मटन में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये चिकन में भी बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमने चिकन को पहले मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूनना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरीके से भूना था मसाले के साथ। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि मसाले से जो है वो तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। इसको बस हम एक दो दफ़ा अच्छे तरीके से चलाएंगे और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको छोड़ दूँगी ढक के 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से और अपने स्टीम में इसका जितनी भी स्मेल वगैरह है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा चिकन आपको पता है जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसमें इतने पानी की नीड नहीं होगी। यहाँ पे मैंने पानी जो यूज़ किया है वो मैंने 1 गिलास पहले मैंने डाला था, तो मुझे थोड़ा कम पानी लग रहा था तो मैंने आधा गिलास पानी इसमें और डाला है। तो टोटली हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था चिकन को गलने के लिए। तो यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के रेडी हो गई थी, और ये देखिए पानी भी इसका खुश्क हो गया था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ऐड करनी है अपनी भिंडियाँ, जो हमने भिंडियों को फ्राई करके रखा था ना, वो भिंडियाँ हमने इसमें ऐड करनी है और बस हम इसे चलाएँगे। आप बिलीव करें, एक दफ़ा आप मेरे कहने पर ये रेसिपी अपने घर में लाजमी ट्राई करें, आपके घर वालों को इंशाल्लाह ये इतनी पसंद आएगी कि आप नेक्स्ट टाइम से ये रेसिपी लाजमी बनाएंगी। तो यहाँ देखिए बस मैंने इसको मिक्स किया है, और अब यहाँ पे एक ट्रिक है, मैजिकल टिप आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच सिरका, जो ब्लैक सोया सॉस होता है ना वो। अच्छा इससे क्या होगा, मेरी बहुत सारी बहनें टेंशन में होंगी कि सिरका और भिंडी गोश में, तो इससे ये होता है कि आप जब भी भिंडी बनाएं उसमें 1 चम्मच अगर आप सिरका ऐड करेंगी तो आपकी भिंडी कभी भी टूटेगी नहीं और भिंडी में लेस कभी भी नहीं आएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा ड्राई भिंडी गोश हमारा बनके तैयार है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कटी हुई अदरक ऐड की है, और इसमें मैंने ऐड किया है फ्रेश हरा धनिया, धो के रख लिया था मैंने कट करके, और वो मैंने इसमें ज़्यादा सा डाला है। इसमें हरा धनिया का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश बन के रेडी है। जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं और सहरी के लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, ये इतनी हैवी नहीं होती, कम ऑयल में भी बन जाती है, और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे सहरी में अफ्तार में बनाएं, सब बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भिंडी गोश ड्राई बन के रेडी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कितनी मज़ेदार से बन के तैयार हुई थी, और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि जो हमारी चिकन है वो कितनी सॉफ्ट और जूसी अंदर से थी, इतनी मज़ेदार सी बन के ये तैयार हुई थी। तो यकीनन आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा इसे देख के। तो आपने ये मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझे देना है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये बहुत गर्म हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसे तोड़ के दिखाया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार सी बनी थी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।